सबों को जय यीशु इस सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना दा परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर स्थिर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना दा परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, कृपा, दया, प्रेम बनी हुई है। आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं और ईश्वर के आशीष को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। प्रभु हर दिन हमसे बातें करते हैं अपने दास दासियों के माध्यम से, अपने आत्मा के माध्यम से। प्रभु आज भी हमसे बातें करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, हम इस समय को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु को दें, उसके निकट आएँ। हमारा प्रभु जिसकी कृपा हम पर हुई है कि आज हम उसको जान पाते हैं, आज ऐसे कितने ही लोग हैं जो प्रभु से दूर हैं। आज हमें चाहिए कि हम उसके और करीब आएं, उसके निकट आएं, उसको सुने, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा अपनी स्तुति के लिए बनाया है। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से इस संध्या समय में हमें एक साथ जोड़ा है, हमें एक साथ मिलाया है, हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की स्तुति, उसकी महिमा के लिए इस घड़ी हम तैयार करें। तभी की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई शशांक। आराधना में आज अगुवाई करेंगे भाई शशांक, बहन कीर्ति और मैं। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जैसा भजनकार कहता है, हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर जो प्रभु की आत्मा है वो निरंतर चाहती है कि हम उसकी स्तुति करें। वो आत्मा चाहती है कि उसकी स्तुति करें, वो चाहती है कि उसकी गुणगान करें। हर एक बातों के लिए उसे धन्यवाद दें और हर वक्त उससे जुड़े रहें। हे मेरे मन, तू यहोवा परमेश्वर की आराधना कर, उसकी गुणगान कर। इस वक्त हम सारे लोग प्रार्थना करें, कहें प्रभु धन्यवाद। हे पिता, हम सब आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं प्रभु की आज के इस दिन में हम सबों को आपने सुरक्षित रखा, आज के इस दिन को देखने का मौका दिया प्रभु, धन्यवाद। प्रभु हमने जो भी कार्य किया उस पर प्रभु तेरी सहभागिता रही, हर एक कार्यों में आपने सफलता को दिया प्रभु। जहां हम असफल भी हो गए प्रभु, हमें जहां कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा, हम चिड़चिड़ाए, हम गलत राह पे भी चले गए, आपकी आत्मा से हम सही रास्ते पर भी आए, उन तमाम बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त। जैसा आप हम सबों से कहते हैं, मुझे केवल धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाओ, हम सारे लोग आपको प्रभु केवल धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं। आपको धन्यवाद, 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 क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस वक्त प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि इस समय हम जब आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी कृपा, आपकी विशेष कृपा हम सब बच्चों पर हो। प्रभु तूने तो कहा है कि तू अब हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। इस वचन की आशीष इस वक्त फिर से हम सबों को दीजिए ताकि आपकी आत्मा हम में समा जाए। और जब हम इस वक्त आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी आत्मा की मांग कर रहे हैं, आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, बस तेरा प्रेम और तेरा अनुग्रह चाहते हैं कि हम पर बरस जाए। प्रभु अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति इस वक्त हम सबको दीजिए, हम सबों को मन से जोड़ लीजिए। प्रभु हमारा मन तो प्रभु हर वक्त भटकता है, हम सबों को स्थिर बना दे प्रभु इस वक्त, ताकि हम सच्चाई से, खरे मन से तेरी स्तुति, तेरी गुणगान, तेरी महिमा कर सके, तेरे वचन को सीख सके, समझ सके और तेरे लिए नया गीत गा सके प्रभु। हे पिता, इस आराधना में जिन भी बातों की आवश्यकता है उन बातों की मांग करता हूं प्रभु। सब बातों की पूर्ति प्रभु तू अपने सही खजाने से पूर्ण कर प्रभु। जितने प्रभु इस वक्त बीमार हैं, निराश हैं,
दुख में है, रो रहे हैं प्रभु, अकेलापन महसूस कर रहे होंगे प्रभु, उन सब पर अपनी शांति को प्रकट कर दे और इस वक्त उन्हें ऐसा नया मन दे दे, नया हृदय दे दे प्रभु, कि आज इस दुख के घड़ी में भी प्रभु वो चाहे वो आंसू बहा ही क्यों ना रहे हो प्रभु, आपको खुशी खुशी धन्यवाद की भेंट अर्पित कर पाए। आपको धन्यवाद, सारा कुछ सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं, इस आराधना को, इस प्रार्थना को और आगे जो भी बातें होने वाली उन सब बातों को आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। दया से सुनकर इसे स्वर्ग के राज में ग्रहण करें, आमीन। प्रभु का बहुत ही सुंदर वचन है जहां प्रभु हम सबसे बातें करता और कहता है, देख मैं द्वार पर प्रत्येक दिन हर क्षण हर रोज हर घड़ी खटखटाता हूं, जो मेरे शब्द को सुनकर, मेरे उस खटखटाहट को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं, प्रभु कहते हैं कि प्रभु उसके साथ हो जाएंगे, उसके साथ भोजन करेंगे, यानी प्रभु उससे उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इस वक्त समय है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास चलें, उसकी गुणगान गाएं। आइए इस गीत के माध्यम से जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें बाहें फैलाकर वो हमारी इंतजार कर रहा है, आइए उसके पास चलें। आंखों को बंद कर ले, ये गीत आप सारे लोग जानते हैं, जिस गीत के बोले आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता है, हृदय की गहराई से इसे गीत, इस गीत को गाएं प्रभु के लिए, अपने लिए भी। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द हम हालेलुया गाएं खुश से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। हम हालेलुया गाएं खुश से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें।
यीशु के रोशन करेंगे जहां, हम हैं चिराग यीशु के रोशन करेंगे जहां। वही ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक भजन गाते हैं। हम जानते हैं हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया। यीशु जो हमारे लिए क्रूस के काट पर अपने आप को बलि चढ़ाए और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे, वे स्वर्ग पर उठा लिए गए। और हम जानते हैं हमारा यीशु, हमारा प्रभु फिर से हमें लेने के लिए आएंगे। इस बात का जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। प्रकाशित वाक्य इस बात को बार बार हमें स्मरण करने को कहता है कि इस बात को याद रखो कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा मसीहा हमें लेने आएंगे। हम जानते हैं कि ईश्वर ने हम सबों को अपने नाम की महिमा के लिए चुन लिया है, अपने राज्य की महिमा के लिए। तो हमारे लिए सचमुच यह खुशी की बात है, आनंद का बात है, आनंद की बात है कि हम चुने हुए लोग हैं। तो आइए हम फिर से उसकी महिमा के लिए बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जितने भी इस आराधना भवन में हम ताली बजाते हैं प्रभु के महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, हम झूमते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। फूका जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है तेरा।
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा पुकार जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरी दौलत तेरी सोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजों प्यारो तेरे साथ ना जाएगी। तेरी दौलत तेरी सोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ ना जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा पुकार जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। जाने वाला है तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। सचमुच प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह पिता हम पर, कि आपने हमें अपने नाम की महिमा के लिए संसार में से चुन लिया है प्रभु। हे प्रभु हम तो अयोग्य हैं पिता, हम तो दुर्बल हैं कमजोर हैं प्रभु। हे प्रभु हम बहुत सारे उलझनों में हैं प्रभु, मन में बहुत सारी चिंताएं हैं व्याधाएं हैं प्रभु। हे प्रभु फिर भी हम आपको पुकारते हैं प्रभु, उस सूली पर चढ़ाए जाने वाले डाकू के समान जो यीशु के दाहिनी ओर था, जो यीशु के बगल में था, जिसने कहा हे प्रभु जब अब अपने राज्य में प्रवेश करे तो हमें भी याद करना। हाँ प्रभु हमें कभी ना छोड़ना, कभी ना त्यागना प्रभु, हमें अपने जीवन के राह पर लिए चलना प्रभु। हम सब कुछ प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। धन्यवाद के साथ इस गढ़ प्रार्थना को हम बड़े विश्वास के साथ यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए, अनुग्रह से स्वर के राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे। आज का वचन जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, दो वचन दिए गए हैं। पहला वचन है यशाया नबी के ग्रंथ से अध्याय 11 वचन संख्या 5, जिसमें वचन ऐसे कहता है, वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। दूसरा वचन है 5 वचन संख्या 7, जिसे वचन ऐसा कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यहां तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु, यीशु सहाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिस्टर एस्थर का नाम लिया गया है, प्रकट ये होगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है मुझे, इसीलिए मैं आराधनालय में रहता हूँ। कभी भी किसी के भी जगह पे मुझे प्रभु भेज देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें, वचन सुनने में और सुनाने में प्रभु हम सबकी मदद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। कि हे दयालु पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, और धन्यवाद करते हैं जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब के लिए, उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए। धन्यवाद करते हैं जितने लोग आराधनालय में हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और पूरे विश्व के एक एक तेरे बच्चों के लिए जो तुझे जानते हैं नहीं जानते हैं मानते हैं नहीं मानते हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि हे दयालु पिता, तेरी कृपा चाहते हैं, तेरी महिमा चाहते हैं अपने जीवन में। कि प्रभु तू जानता है कि जैसे हमने हर वक्त हर क्षण हम सब ने पाप किया है, प्रभु फिर से हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध कर, पवित्र कर, वचन को सुनने में सुनाने में हमारी मदद कर, क्योंकि आपके बगैर ना हम सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। तो आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, यशाया 11:5, 11:5 और पहला पत्रस 5:7। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसे
दाऊद के पिता का नाम था, किसका नाम था? दाऊद के पिता का नाम ईसे था। और जब इसी के थोड़ा सा ऊपर यशायाह नबी जो 11 जहाँ से हम लोगों ने वचन दिया है प्रभु ने, उसको पढ़ेंगे, 11 का 1 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखता है कि तब ईसे के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फरवंत होगी। तो ईसे के पुत्र दाऊद थे और दाऊद के कुछ जनरेशन के बाद उसी विंग से, उसी परिवार से यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु के बारे में बाइबल ये कहता है कि वो सुन के या देख के न्याय नहीं करेगा। अद्भुत बात, वो सुन के या देख के न्याय नहीं करेगा। जैसे साधारण लोग क्या होता है कि हम लोगों को कोई कुछ कहा कि कहा गया कि भूषण भाई अच्छे आदमी नहीं है, या रश्मि मैडम अच्छी नहीं है, या अमित भाई अच्छे नहीं है, हमने खुद से देखा, खुद से सुना और कर दिया। लेकिन यीशु के बारे में बाइबल कहता है कि वो सुन के और देख के न्याय नहीं करेगा। तीन को जब आप पढ़ेंगे, इसी का तीन पढ़िए भूषण भाई। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है कि वो ना मुंह से, ना कान से सुन के, ना आंख से देख के कुछ भी न्याय नहीं करेगा। करेगा न्याय कैसे? तो न्याय वो करेगा चार में लिखता है, पढ़िए। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया। वो कहता है कि वो सब कुछ ईश्वरीय कंट्रोल से करेगा। हालेलुया। और बाइबल में एक वचन लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उसके लिए व्यवस्था उस पर लागू नहीं की जाती। और लास्टली जब ये पांच वचन जो हम लोगों को मिला, तो वो कहता है कि उसकी कटी का फेटा धर्म से और उसकी कमर का फेटा सच्चाई से होगी। ये सारा चीज उसमें पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसने अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दी है, क्योंकि यहोवा को उसकी चिंता है। हालेलुया। वो इतना सरल है, इतना सीधा है, और अपने जीवन का कोई भी निर्णय या कोई भी काम वो अपनी सोच और समझ से नहीं करता है। और उसकी सारी चिंताएं, उसकी सारी परेशानी, उसका सारा दुख किसके पास चला जाता है? ईश्वर के पास। लेकिन उसके पहले उसने क्या किया कि वो ईश्वर की सच्चाई, ईश्वर का धर्म उसको ओढ़ लिया है। कैसे ओढ़ लिया है? तो आप जब इसको पढ़ेंगे इफिसियों में, इफिसियों पढ़िए भूषण भाई, इफिसियों 6:14। इफिसियों अध्याय 6:14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर, बस लिखता है कि सत्य से अपनी कमर कसके, धार्मिकता का झिलम पहन के, अगर आप जीवन को जीते हैं तो आपको अपने बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर काम करे, लेकिन हम आज
सत्य को अपनी सत्य से अपनी कमर को नहीं कसते हैं। हमारे जीवन में झूठ है, फ्रॉड है, दगाबाजी है ना, और धार्मिकता का झिलम पहन के जो ईश्वर धर्म क्या है। मैं हर बार ये बोलता हूं कि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जो पृथ्वी पे रचा गया वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि जो ईश्वर जो चाहता है वो हम ओढ़ लें, पहन लें। सत्य और धर्म दोनों को मिला के जब हम पहन के जीते हैं तो हमारे जीवन में जो भी चिंता है, फिक्र है, बीमारी है, परेशानी है, उसको हमें सोचने की जरूरत नहीं। वो कौन सोच लेगा? ईश्वर। कहता है कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुम्हें संभाल लेगा। अपना बोझ किस पे डाल दे? यहोवा पे डाल दे। आज प्रभु यही कह रहा है कि आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है। इस बात से हम सब लोग भली भांति परिचित, लेकिन ये जा क्यों नहीं रही है? तो आज ये सोचना होगा, क्या हमारे जीवन में सत्य है? क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह की तरह धार्मिकता है, उसकी तरह सत्यता है? क्या हम सच में ईश्वर के मार्ग पे चलने का चलने के लिए हम तैयार हैं? क्या ईश्वर के मार्ग में हम सचमुच चल पा रहे हैं? क्या उसकी धार्मिकता को हमने ओढ़ ली है या सब कुछ दिखावा है? अगर दिखावा है तो आप चिंतित भी रहेंगे। अगर दिखावा है तो आप चिंतित रहेंगे कि मेरे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है। दिखावा है तो आप चिंतित रहेंगे कि मेरा भी विवाह नहीं हो रहा है। दिखावा है तो आप चिंतित रहेंगे कि मेरी नौकरी नहीं हो रही है। दिखावा है तो आप चिंतित रहेंगे कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्य में, सच में ईश्वर का सत्य जो ईश्वर है उसको पकड़ के रखे हुआ है और जो वो कहता है वो मान के चलता है, तो प्रभु कहता है कि उसको अपनी चिंता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी सारी चिंता किसके पास चली जाती है? ईश्वर के पास चली जाती है। हालेलुया। इसीलिए वो जो वचन दिया गया हम लोगों को कि अपना चिंता किस पे डाल दे? यहोवा पे डाल दे। लेकिन वो चिंता यहोवा पे डालने के का जो प्रोसेस बताया जा रहा है, कैसे डालना है, उसके लिए आपको सत्य में जीवन जीना होगा, उसके लिए आपको धार्मिकता में जीवन जीना होगा, तभी आप अपनी चिंताओं को यहोवा पे, अपनी चिंताओं को ईश्वर पे डाल सकते हैं, या तब आपके बदले में ईश्वर काम कर सकता है। एक कोटेशन मैंने अमित भाई को लिख के दिया कि अगर आप काम करोगे तो ईश्वर विश्राम करेगा, आराम करेगा, और अगर आप विश्राम करोगे, आप आराम करोगे तो ईश्वर काम करेगा। लेकिन मैं विश्राम करूं इसके लिए मुझे ईश्वर को जानना होगा, ईश्वर को मानना होगा। ऐसे ही हम नहीं कह देंगे, जैसे मैं अगर सोचूं कि भूषण भाई आज आराधना लीड कर रहे हैं और मैं निश्चिंत होकर बैठा हूं, ये कब होगा? ये तब होगा जब मैं भूषण भाई को बहुत करीब से जानता हूं और मैं समझता हूं कि भूषण भाई अगर स्टेज पे हैं तो आराधना खराब होने नहीं देंगे। इसलिए हमारे और भूषण भाई के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर मैं सोच रहा हूं कि YouTube चला रहे हैं अमित भाई और अमित भाई रहेंगे तो YouTube में कोई हानि नहीं होगी, टेलीकास्ट अच्छे से हो जाएगा, इसके लिए हमको और अमित भाई को एक होना होगा, मुझे इनको सच्चाई से जानना होगा। अगर मैं इन्हें सच्चाई से नहीं जान पाऊं तो मैं इनको, इनके ऊपर YouTube को नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं अगर सच्चाई से भूषण भाई को नहीं जान पाऊं तो बार बार आके झांकता रहूंगा, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं जान जाऊं कि नहीं, भूषण भाई मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, ये किसी भी अवस्था में इस प्रार्थना योद्धा के मान सम्मान का ख्याल रखेंगे, इसका प्रतिष्ठा नहीं जाने देंगे,
तो मैं क्या करूंगा, अपने केबिन में अपने रूम में बैठा रहूंगा। हाँ या नहीं? आज सिस्टर एस्थर को लगता है कि राजभाई हैं, वो देख लेंगे, काम कर लेंगे, वो प्रबंध कर लेंगे, तब वो चैन से बैठ सकती हैं। अगर उनको मेरे से मेरे बारे में वो अच्छे से नहीं जानती, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, या मेरा सच्चाई वो नहीं जानती, तो वो मेरे ऊपर इस आराधनालय को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत मेहनत से वो यहाँ पहुँची हैं। और अगर उनको तनिक भी इतना भी शक रहता कि ये व्यक्ति मेरे आराधनालय को डुबा सकता है या मेरे किए कराए पे पानी फेर सकता है, तो वो हमेशा आगे पीछे घूमती रहती और चाह के भी सारा बोझ हम पे नहीं डाल सकती थी। इसके लिए क्या करना पड़ा? इसके लिए मुझे उन्हें जानना पड़ा और उन्हें मुझे जानना पड़ा। भूषण भाई को किसी पद के देने से पहले भूषण भाई के करीब मुझे जाना पड़ा, अमित भाई के करीब मुझे जाना पड़ा, ज्योतिष भाई के करीब मुझे जानना पड़ा, इनको समझना पड़ा और इनको जानना पड़ा और इनके साथ जीना पड़ा। हाँ या नहीं? आज इस महा उपवास काल में प्रभु कह रहा है कि तुमको अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा दुख, सारी बीमारी, सारी तकलीफ मुझे दे दो। हम दे ही नहीं पा रहे, कैसे दीजिएगा? आप तो जिए ही नहीं है ईश्वर के साथ, आप तो रीति रिवाज, परंपरा, दुनिया के समाज के नीति और जो भी यहां के लोगों ने बना दिया है उसमें बंध रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। आप तो कभी ईश्वर के साथ जिए ही नहीं, ईश्वर को कभी जाने ही नहीं, उसको कभी समझे ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं भूषण भाई को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो मैं इनको अपना बोझ कैसे दे दूंगा? दे सकता हूं भूषण भाई? दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। आज जब हम लोगों को कहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वचन में लिखा है वो तुझे संभाल लेगा, अपनी सारी चिंताएं उस पे छोड़ दे, उसको तुम्हारी चिंता है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। मैं मुस्कुराता हूं। इसका सीधा का मतलब कि आप ईश्वर को नहीं जानते हैं, आप ईश्वर के साथ नहीं जिए हैं, आपके जीवन में सत्य और धार्मिकता नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में सत्य और धार्मिकता नहीं है, इसीलिए जब मैं सेवकाई शुरू किया तो मैंने कहा कि दो प्रकार की जाति है पूरे विश्व में, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई। मेरे लिए पूरे विश्व में दो प्रकार की जाति है, जब से मैं प्रचार शुरू किया हूं ये बोलता हूं, एक विश्वासी और दूसरा गैर विश्वासी, बीच में कोई जाति ही नहीं है। जो हमारे पिता ईश्वर को नहीं जानता है वो सब गैर विश्वासी है, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मोहम्मदन धर्म से हो, चाहे जिस भी धर्म जाति से हो, जो ईश्वर को नहीं जानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, वो क्या है? गैर विश्वासी है, उसको विश्वास नहीं। आमतौर पर लोग उसे नास्तिक कहते। और जो भी चाहे जिस धर्म से जाति से है, अगर ईश्वर को मानता है, ईश्वर के मार्ग पे चलता है, वो विश्वासी। आमतौर पे लोग उसे आस्तिक कहते हैं। अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो आप आज प्रभु कह रहा है कि धार्मिकता और सत्य को पकड़े रहिए और अपने जीवन की सारी परेशानियां, सारी चिंताएं उस पे डाल दीजिए। क्यों? तो उसको आपका ध्यान है और इस बात पे आपको यकीन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप गैर विश्वासी हैं, चाहे जिस धर्म जाति से हैं, मैं और मेरा धर्म प्रार्थना उद्धव परिवार कभी भी किसी धर्म जाति को संबोधित नहीं करता है, कभी भी किसी के बारे में बात नहीं करता। ये मेरा यीशु सिखाया ही नहीं, ये मेरा पिता ईश्वर सिखाया ही नहीं कि धर्म को संबोधित करो, जाति को संबोधित करो, किसी चर्च के बारे में बात करो, बपतिस्मा के बारे में बात करो। मुझे ये नहीं सिखाया गया पवित्र आत्मा के माध्यम से। जिसे सिखाया गया हो उसे सिखाया गया हो, मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, ईश्वर के सत्य को, उसके धार्मिकता को झीलम की तरह ओढ़ लिए हैं, वस्त्र बना के पहन लिए हैं, तो आज प्रभु कह रहे हैं क्यों चिंतित हैं आप?
ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी परेशानी है, ये कौन सी बेरोजगारी है जो आपके पिता ईश्वर से बढ़ के हो जाएगी? ऐसी कौन सी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान से बढ़ के हो जाएगी? हालेलुया। आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिल करिए, सो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। मैं जब काम करना शुरू किया तो पिछले जब ये आराधनालय बन गया तो मैं डिपार्टमेंट बांट रहा था, चूंकि मेरा मानना है कि हम टीम वर्क काम करके ही बड़ा काम कर सकते हैं। अकेले कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता, तो मैंने टीम का निर्माण किया प्रभु के सामर्थ्य से और टीम को बांटा। आउटडोर टीम इंचार्ज हुआ कोई आदमी, कोई इंडोर का इंचार्ज हुआ, कोई आराधनालय का इंचार्ज बना, कोई चेन प्रेयर को देखता है, कोई यूट्यूब को देखता है, कोई किचन देखता है, हर विंग को मैंने देखा, जो मेरा प्रोजेक्ट चलता है उसको देखा जाता है, उसको कोई संभालता है, मेरे अकाउंट्स कोई देखता है। हर टीम में मैंने हर काम का एक टीम नियुक्त किया और सबके ऊपर मैंने एक प्रधान नियुक्त किया और वो सारे प्रधान से मैं टैग किया। हर आदमी का अलग अलग, हर टीम का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना और भी बहुत सारा डिटेल हुआ काम में। शुरू शुरू में जब इन लोगों के साथ मैं काम करने चला तो चेन प्रेयर है क्या मेरे यहाँ? 24 घंटा चलता है, रात में भी अगर आप प्रार्थना डालेंगे तो वो वेदी पे चला जाएगा, 10 या 5 मिनट के अंतराल में चला जाएगा वो। तो मुझे लगा कि मैं चेन प्रेयर को क्रॉस चेक करता था, रात भर जगता था। जैसे जैसे टीम के लोग अच्छे से काम करने लगे मैं निश्चिंत होना शुरू कर, मुझे पता है कि बच्चे काम कर लेते हैं। आज मुझे ही अपने ही बच्चों पे विश्वास हो गया। कैसे हो गया? मैं इनके साथ जिया, मैं इनको जाना, मैंने इनको पहना, मैंने इनको ओढ़ा, मैंने इनको समझा, मैं इनसे लिपटा, मैं इनके साथ रोया, मैं इनके साथ हंसा, मैं इनके साथ खाया, मैंने इनके साथ मस्ती की, तब मैं इनको जान पाया। कभी छोटे बच्चे से मिले हैं आप? आप मेरी लंबाई मान लो 6 फीट है और मैं किसी बच्चे की लंबाई यहाँ 1 फीट है, 6 फीट है, वो 3 साल 4 साल का बच्चा, उससे मिलने के लिए ना आपको घुटने पे आना पड़ता है। नीचे जाके आप उसको प्यार कीजिएगा तो वो आपको समझेगा। जब छोटे से बच्चे से जुड़ने के लिए आपको ऐसे जुड़ना पड़ता है तो यहाँ जितने बच्चे हैं सबसे मैंने अपना पर्सनल और इंडिविजुअल रिश्ता की क्रिएट किया। स्वाभाविक तौर पे मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं मेरे रिलेटिव हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जब मैं टीम में बच्चों के साथ काम करने लगा तो मैं अपने प्रोटोकॉल और अपने इमेज से नीचे आया और मैं अपना स्वभाव सेवकाई के लिए बदला, तब मैं इनसे जुड़ पाया। और जैसे मैं इनसे जुड़ा और जब मैं हम लोग साथ में मिलके काम करने लगे तो काम करने के बाद एक समय आया कि मैं धीरे 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 रिलैक्स होता गया और मैंने अपना बोझ किस पे डाल दिया? इन लोगों पे डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टेज का बोझ भूषण संभाले, यूट्यूब का बोझ ये संभाले, उसका बोझ मोनी संभाले, उसका बोझ रश्मि, धीरे धीरे सारे बोझों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया और मैं रिलैक्स हो गया। आपका बोझ आज ईश्वर पे क्यों नहीं जा रहा है? इसका एक ही मतलब है कि आप ईश्वर के साथ जुड़े नहीं। जहां झुकना था वहां झुके नहीं, जहां सजदा करना था वहां सजदा नहीं किए, जो काम करना था, जब हंसना था आप हंसे नहीं, जब रोना था आप रोए नहीं, ईश्वर जब जो चाहा वो किए नहीं। एक साधारण से मनुष्य से जुड़ने के लिए उसके स्वभाव में, उसके आचरण में, उसके खान पान में जुड़ना पड़ता है। मैं बहुत एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि जब मैं यहां रांची शहर में आया, उसके पहले मैं मोटा चावल कभी खाया ही नहीं था। मैं तारीफ और शिकायत की बात नहीं बता रहा हूं, मैं एक बहुत छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं गवाही के तौर। और मैं जब आया टीम में काम करने लगा तो मैंने देखा कि यहां सारे लोग वैसे ही चावल खाते हैं, नहीं तो पेट नहीं भरता। तो मैंने अपने खाने का तरीका बदला
अब मैं भी मोटा चावल खाता। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा आदमी हूं या छोटा आदमी हूं या अमीर हूं गरीब हूं, मुझे इस परिवार में रहना था तो मुझे अपना स्वभाव, अपना आचरण, अपना रहन सहन इन लोगों की तरह बनाना था। मैं क्यों इनको बदलूं, मैं क्यों ना खुद बदल जाऊं। प्यार जब हम किसी से करते हैं, जब हम किसी का सम्मान करते हैं, तो हम उसको नहीं बदलते, हम उसके अनुसार बदल जाते। हम आज ईश्वर को प्यार करते हैं लेकिन उसके अनुसार बदलने को तैयार नहीं है। हम ईश्वर को ही बदलना चाहते हैं, हम ईश्वर को ही ऑर्डर देने लगे हैं, हम ईश्वर को ही डायरेक्शन देने लगे हैं। आपकी चिंता आप उस पर कैसे छोड़ देंगे, आप तो उससे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। महा उपवास काल में सीधे तौर पे आज कह रहा है कि अगर आप यीशु की तरह स्वभाव बना रहे हैं, उसकी तरह सत्य को जान रहे हैं, धार्मिकता को झीलम की तरह पहन रहे हैं, तो आपका सारा बोझ कौन संभालेगा? वह संभालेगा, ईश्वर संभालेगा। अगर ये नहीं हो रहा है, चूंकि प्रार्थना उद्धव परिवार हमेशा तावे का दूसरा हिस्सा भी दिखा रहा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई आदमी का बोझ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मेरे जीवन से परेशानी जा नहीं रही है, या आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं, या आप निश्चिंत नहीं हो पा रहे, इसका मतलब यह है कि आपका बोझ बोल के भी आप ईश्वर को दे नहीं पा रहे। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप अंदर से डरे हुए हैं उस छोटे से बच्चे की तरफ। जैसे आप ध्यान दीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक छोटा सा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो, वो जब चलने लगता है तो माँ उसको छोड़ती है लेकिन कभी भी उसको छोड़ती नहीं, छोड़ती है मगर कभी भी छोड़ती नहीं है। कैसे? तो उसको छोड़ देगी लेकिन पीछे से देखती रहती है। इसका मतलब यह है कि उस मां को उस पर विश्वास नहीं है कि यह ठीक से चल पाएगा। अगर जिस दिन उसको विश्वास हो जाता है कि यह ठीक से चल पाएगा, वो छोड़ देती है। क्या भूषण भाई, अगर आपको आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं होने का कारण है कि आप सत्य को सही से जान नहीं पा रहे हैं। बाइबल कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज प्रभु सीधे सीधे कह रहा है, दाऊद ईश्वर को जानता था। हालेलुया। वो सत्य को पकड़ के धार्मिकता का झीलम पहने हुआ था, उसके साथ कुछ भी हो रहा था, कैसे कैसे वो ईश्वर को जानता था। आपको याद होगा कि दाऊद बचपन में क्या करता था, भेड़ चराने, बकरी चराने जंगल में जाया करता था, और वो उसी का सुपरवाइजर भी था। क्या भूषण भाई, भूषण भाई सुपरवाइजर का मतलब समझते हैं ना, चारागाह जहां रखा जाता था उसी का देख रेख करने वाला भी था। भूषण भाई से पूछ लेते हैं बीच बीच में कहीं गलत हो, जानते तो वही है, बाबा है हम लोग, तो उसका रखवाला भी था। लेकिन वो ईश्वर से जान, ईश्वर से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था, आप पढ़िएगा बाइबल को, तो बचपन में जब बाघ, जब बड़ा बड़ा जानवर, जब खूंखार जानवर जब उसके भेड़ बकरी को उठा के ले जाते थे, तो उस समय ये लाठी से डंडा से ईश्वर के नाम पे मारता था और उसके जबड़ा में से उस मेमना को, बच्चा को निकाल के ले आता था। ये काम दाऊद बचपन में ही किया करता था। हालेलुया। उसमें कोई छल प्रपंच नहीं था, उसमें सत्यता थी। तो शुरू से वो ईश्वर के साथ जीता था और करता गया था कि वो भेड़ बकरी चरने लगते थे और ये यहां सारंगी बजा के, वीणा बजा के, गाना गा के वहां क्या करता था, ईश्वर की महिमा करता था। जंगल में भी यही काम करता था। वो जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था, वो ऐसा जुड़ा हुआ था ईश्वर से, वो ईश्वर के साथ जीता था, वो ईश्वर के साथ खाता था, पीता था। और जब वो राजा के लिए बुलाया गया
तो आया और नियुक्त हुआ। यहाँ तक कि उसके पहले जो राजा था साउल, उसको मारना भी चाहता था, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था कि नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, हम अपना बोझ किस पे डालेंगे, यहोवा पे डालेंगे। चूंकि वो सत्य और धार्मिकता को जानता था, इसलिए साउल के जिंदा रहने या मरने का चिंता उसको नहीं था। हालेलुया। इसीलिए साउल के जिंदा या रहने का या मरने का चिंता नहीं था। अगर उसको चिंता रहता कि जब तक ये मरेगा नहीं, राजा बनेगा नहीं, साउल कितने बार उसके हाथ में पड़ा था, पहले ही अपने से ही मार देता उसको, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको ट्रस्ट था और वो इस बात को जानता था, वो चख के देखा था। बाइबल लिखा है कि चख के देखो कि ईश्वर कितना भला है। आज हमको समझना होगा ये बात कि क्यों हम अपना बोझ उस पर डाल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। अगर जानते नहीं हैं तो प्रभु कह रहा है कि आज जानिए, सत्य को समझिए। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है कि यीशु को कहा जा रहा था कि आप मरिए, वो जानते थे कि मेरा पिता सामर्थी है, इस मरने में भी हमारी भलाई है। वो बोले कि ठोक भाई, इधर हाथ में ठोक, इधर हाथ में ठोक, इधर पैर में ठोक, इधर बर्छी मार मार। क्योंकि वो सत्य को जानते थे। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। वो ईश्वर को जानते थे और धार्मिकता में जीते थे। हालेलुया। हम आज महाउपवास काल में जी रहे हैं, हम आज महाउपवास काल में सारे कामों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज एक बार अपने दामन में झांक लेना चाहिए, क्या हम सत्य को जान रहे हैं? क्या हम धार्मिकता को पहने हुए हैं? क्या हमने अपना बोझ उस पर डाल दिया है? अगर आप ये सारा काम कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप धार्मिकता से जी नहीं पा रहे हैं। आप रीति रिवाज और परंपरा में ऐसे उलझे हुए हैं कि सब करके भी कुछ कर नहीं पा रहे। तुम आजकल अपनी परंपराओं का निर्वाहन करने के लिए मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर जाते हो। ये वचन सुने हैं आप लोग? भूषण भाई सुने हैं? तो प्रभु कह रहा है कि सत्य को पकड़िए, और सत्य को पकड़ने के लिए आपको मैं फिर एक बार बताऊं कि सत्य को पकड़ने के लिए सेल्फ अध्ययन में जाइए, खुद अध्ययन करिए ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे मिलता है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, हम कुछ खुद से जानना ही नहीं चाहते। एक तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोला हुआ है, इसमें कोई भी चीज एक आदमी शेयर किया, वो 50 आदमी को शेयर कर दिया, वही सत्य हो गया, है ना? उसकी सत्यता के बारे में कोई नहीं जा। आप कुछ पढ़िए, और मैं विशेषकर इस व्यवस्था की किताब को आज पढ़ने का आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से। इसका नया नियम पढ़िए, बार बार पढ़िए, नया नियम को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। एक दिन अचानक ऐसा होगा कि आप सत्य को जान जाएंगे। आमीन। एक दिन ऐसा होगा कि आप सत्य को जान जाएंगे, आपको किसी अन्य गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाइबल कहता है कि जिसे पवित्र आत्मा मिल गया हो उसे किसी अन्य गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, हम लोग धार्मिकता का झिलम खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं। अरे भूषण बाबा जो बोले वो मान लिए, अमित भाई जो बोले मान लिए। अरे क्यों मान लें, क्यों माने हम जो आप बोलेंगे? कहां से बोल रहे हैं ये तो जानना चाहिए, इसका तथ्य क्या है ये तो जानना चाहिए। क्या राज भैया जो पुलपिट पे आके बता रहे हैं उसकी सच्चाई है कि नहीं है, वो बाइबल से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बाइबल पढ़िए मेरे दोस्त। मैं बताता हूं प्रार्थना करने के लिए कि आप लोग कहते हैं कि प्रार्थना नहीं करने आता है, बिल्कुल भी नहीं करने आता प्रार्थना, करने तो मुझे भी नहीं आता। लेकिन एक बात मुझे बताइए, मम्मी पापा से बात करना कौन सिखाया था आप लोग?
आप लोग जिस भी जाति धर्म से हैं या जिस भी समुदाय से हैं, वहां की भाषा सीखने के लिए स्कूल गए थे? नहीं ना, वो आपका मदर लैंग्वेज है, मदर टोन है ना, मदर टोन। उसको सीखने के लिए हम लोग कहीं गए? नहीं गए। वो कैसे सीख जाता है आदमी, कैसे सीख जाता है? जीते जीते सीख जाता है, रहते रहते सीख जाता है, सुनते सुनते सीख जाता है। आज आप बिना सीखे बिना जाने प्रभु के पास बैठ जाइए, वो आप प्रार्थना करना और उससे बात करना सीख जाइएगा। शादी से पहले शादी कैसे करते हैं ये पता होता है क्या? नहीं होता है। आदमी करते करते सीख जाता है। कोई औरत मां पहली बार बनती है तो उसको पता होता है क्या कि बच्चा कैसे जनते हैं? वो बच्चा जन के जान जाती है कि बच्चा कैसे जनते हैं। खाना बनाते बनाते हम खाना बनाना सीख जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, प्रभु के साथ बैठते बैठते आप प्रार्थना करना सीख जाइएगा, प्रभु से बातें करना सीख जाइएगा। जब हम अपने माँ से बात करने के लिए हमको कहीं बाहर से ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा, जब हमको पिता से बात करने के लिए कहीं बाहर से ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा, जब हमको अपने पति से बात करने के लिए बाहर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जब हमको अपने बच्चे से बात करने के लिए बाहर से ट्रेनिंग लेने, तो ईश्वर से बात करने के लिए ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है? कौन सिखाएगा आपको? आप अपने पिता से कैसे बात करते हैं, आप अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, मुझसे आके थोड़े ही पूछते हैं। तो आप पिता ईश्वर से कैसे बात करते हैं, वो मैं कैसे सिखाऊं आपको? हर आदमी का अपना पिता है, अपने तरीके से बात करेगा। आप जाके बैठ जाइए, उसी से बोलिए कि मैं बैठा हूं, बोलिए क्या बात करना है। मैं तो यहां बताता हूं कि प्रार्थना करने से पहले भी प्रार्थना करें कि प्रभु आज प्रार्थना करना क्या है। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बाइबल हमको नहीं आता है, समझाइए। मैं दावा करता हूं कि कोई भी आदमी अगर प्रार्थना करे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आइए हमारे जीवन में और जो व्यवस्था की किताब में आपने अपने आत्मा के द्वारा लिखा है मुझे समझाइए, ये आप ही ने लिखा है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा। बाइबल को जानिएगा, सत्य को जानिएगा, सीने सुने सुनाए हुए बात पे यकीन नहीं कीजिएगा। कौन क्या कह दिया, कौन क्या नहीं कह दिया, फलाना ये ढिकाना ये, वो सेवक वो सेवक वो, अरे कब तक पीछे चलिएगा? इंसान के पीछे चलने से क्या होगा, पवित्र आत्मा के पीछे चलिए, ईश्वर के पीछे चलिए। और आपके हाथ में ये व्यवस्था की किताब है, इसको जानिए तो सही, सारे भेद इसी में छुपे हुए। जैसे ही इसको जान लीजिएगा आपको पता लग जाएगा कि पृथ्वी पे जितने भी चीज है उन सब का कंट्रोलिंग उसके हाथ में है। फिर हाय हाय करना बंद कर दीजिएगा, फिर किसी के बारे में चिंतित होना बंद कर दीजिएगा। आपको पता है कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हम उससे अलग होने लगते हैं, जैसे हम उसको नहीं जानते हैं, हम सारा बोझ उस अपना लेके चलते। एक और छोटा सा उदाहरण देके मैं समाप्त करूं इसको। आदम का निर्माण ईश्वर ने किया, अपने हाथों से किया, सब कुछ किया। संगति में था आदम, ईश्वर से बात करता था। कहीं भी नहीं लिखा है कि आदम की ट्रेनिंग की गई थी कैसे बात करना, लिखा है? नहीं लिखा है। बना वो बोलने लगा, क्योंकि वह उसके स्वरूप में था। प्रभु ने बनाया ही था इंसान को इसलिए कि वो उससे बातचीत करे। और आज हम बातचीत नहीं करते, मतलब प्रार्थना नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। हम ढूंढते किसको है, किसी सेवक को हमारे लिए प्रार्थना कर दे। एक बार मैं बता रहा था पीछे किसी सेशन में कि आज समस्या क्या है, कि समस्या क्या है कि हमारे जीवन में जैसे कोई परेशानी आती है सबसे पहले हम कहां भाग के जाते हैं? फोन के पास। जैसे ये मेरा खुदा हो गया हो। अरे फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, देखना फोन कहाँ है, फोन कहाँ है,
कोई आदमी आके बोला पेट में दर्द है, कोई आदमी बोला सर फट गया, कोई आदमी बोला ये समस्या है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ, फोन लेके आओ, फोन लेके आओ, फोन लेके आओ, फट से फोन के पास, है ना। और फोन लेके आया तो जो थोड़ा धार्मिक है वो किसी अगुआ को फोन किया, है ना। कोई पैरवी वाला है तो थाना पुलिस डॉक्टर को फोन किया, किसी ना किसी और को फोन किया। ये कौन हो गया आपका? खुदा हो गया। मैं हर बार बताता हूं कि कब कोई समस्या हो तो आप बेदी के पास क्यों नहीं भाग के जाते हैं? आपके घर में जो बेदी है या कहीं नहीं है तो आप घुटना पे ईश्वर के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप सीधे फोन के पास जाते हैं, सिस्टर एस्थर के पास जाते हैं, राज के पास जाते हैं। हम लोग खुदा थोड़े ही हैं। आप जो बोले वो आप क्या कीजिएगा कि आप फोन रख हमको कीजिएगा, हम जाके घुटना पे बैठेंगे। ये काम तो आप भी कर सकते हैं। एक मैंने बहुत पहले कहानी सुनाई थी, फिर से मैं सुना दूं। एक फकीर गया, अल्लाह के नाम पे दे दे, खुदा के नाम पे दे दे, यीशु के नाम पे दे दे। राजा का दरबार ने उसको रोक दिया, अभी नहीं जा सकते हो। अरे क्यों नहीं जा सकते हैं? सुने तुम्हारा राजा बहुत बड़ा दानी है। बोले अभी नहीं जा सकते हो, अभी वो दुआ मांग रहे। राजा साहब दुआ मांग के हटे, दरबान जाके बोला कि मालिक हुजूर माई बाप गुस्ताखी माफ हो, एक फकीर आया था आपका नाम सुन के कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो आप दुआ मांग रहे थे तो हम उसको रोक दिए हैं। अरे राजा साहब बोले पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। गया पकड़ने तो भाग गया था। जाके बोला राजा साहब वो तो है ही नहीं। बोला नहीं है, खोज के लाओ, कहाँ है, आसपास ही गया होगा। पकड़ के लाया, आधा किलोमीटर गया था, फकीर को उठा के लाया। राजा साहब बोले मांगो क्या मांगते हो? फकीर बोला कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला अभी तो तुम मांगने ही आए थे हमसे, तो क्यों कुछ नहीं चाहिए? फकीर बोला कि कुछ देर पहले आप क्या कर रहे थे? तो राजा बोले दुआ मांग रहे थे। तो बोला जिससे आप मांग रहे थे उससे हम नहीं मांग सकते हैं। जिससे आप मांग रहे थे उससे हम नहीं मांग सकते हैं। जिससे हम मांगते हैं, जिससे सिस्टर एस्थर मांगती हैं, उससे आप नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आप तो सीधे ही फोन के पास जाइएगा। अरे सिस्टर एस्थर को फोन कर दो, भैया राज को फोन कर दो, किसी पादरी को फोन कर दो, किसी फादर को फोन कर दो। इसको राशन कार्ड रखने का जरिया बना दिया है लोग। आधार कार्ड, राशन कार्ड और कोई इंपॉर्टेंट सामान रख के अलमीरा में रखा, खोएगा नहीं। आधार कार्ड कहाँ, देखो बाइबल के पीछे रखा होगा। साल में चार बार इसको झाड़ते हैं हम लोग जोर से और निकाल के पढ़ते हैं। वो भी कोई दूसरा आया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, या जैसे भी आमीन कह के फिर इसको संभाल के ढक के ऐसे रख दिए जैसे इसका कोई। अरे ये ढक के रखने के लिए थोड़े ही आया था, ये खाने की चीज है। बाइबल कहता है कि खाओ इसको, खाओगे तो चबाओगे तो मीठा लगेगा। वचन खाने की चीज है, वचन को रोटी से संबोधित किया गया था। हम इसको खाते ही नहीं है, हम प्रभु से संगति करते ही नहीं है, हम प्रार्थना में बैठते ही नहीं है। बहाना सुनिए, हमको भैया प्रार्थना करने कहाँ आता है, हम तो बहुत बड़े पापी आदमी हैं, हमको बाइबल समझ में आता ही नहीं है। अरे सब काम लोग कर दे, हर बात का बहाना ढूंढ के रखे। विल गेट्स एक बार एक कहानी में लिखे थे, विल गेट्स को जानते हैं आप लोग? बहुत बड़ा अमीर आदमी है विल गेट्स। उनसे पूछा गया कि काम आप बड़ा तेजी से करा लेते हैं कैसे, तो वो बोले कि हम काम कराने के लिए सबसे पहले आलसी आदमी ढूंढते हैं। सुनिएगा, पूछा गया आलसी आदमी, तो आलसी आदमी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि किसी काम को जल्दी करके समाप्त कैसे किया जाए ये ढूंढ लेता हूं, वो जाकर सो जाता है। समझ में आए? तो हम लोग कोई भी बहाना हम लोग के पास बहुत है। रात में देर से सोए थे, सुबह जगे नहीं, तीन दिन से थके हुए हैं। जो आदमी कहता हो कि हम काम कल से करेंगे या किसी और के साथ करेंगे, समझ लीजिए वो कभी काम नहीं करेगा। कल कभी नहीं आता। और आपके बदले में ना कोई रो सकता है, ना हंस सकता है, ना प्रार्थना कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं तो मेरा आत्मिक उन्नति होगा, आपके लिए प्रभु आशीष देगा, लेकिन निरंतर मेरे ही प्रार्थना से आपको आशीष मिले इसकी गारंटी
नहीं है। मेरे प्रार्थना से आप एक बार आशीषित हो सकते हैं, दो बार आशीषित हो सकते हैं, चार बार आशीषित हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको प्रार्थना में बैठना होगा। मेरे बाइबल समझाने से आप बाइबल समझ सकते हैं, लेकिन जब तक इस बाइबल को, इस भोजन को, इस आत्मिक भोजन को आप खुद से ग्रहण नहीं करने लगेगा। आप देखे होंगे जो लोग चम्मच से खाता उसका पेट नहीं भरता, या जो लोग किसी और हाथ से खिलाया जाता देखे है ना, उसका पेट नहीं भरता जब तक अपने हाथ से नहीं खा। आपको अपने हाथ से खाना होगा इसको। आज प्रभु इस महा उपवास काल में कह रहा है, वचन को खाइए, पढ़िए, ईश्वर के साथ बैठिए, बहाना मत बनाइए, काम है, तबीयत खराब है, बैठा नहीं जा रहा है, समय नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम में समय नहीं है, या इतने अनपढ़ नहीं है कि बाइबल आप सुन नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। आजकल तो YouTube का जमाना है, ऑडियो और वीडियो सब आता है बाइबल का, बाकी सारा प्रोग्राम देखने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हम बाइबल का कहानी किस्सा देखने का समय नहीं है। इसीलिए आप ईश्वर से जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सच में जुड़ना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बदले में कोई और ईश्वर से जुड़े और आशीष आपको मिले, इसीलिए अपना बोझ भी आप उस पर नहीं डाल पा रहे हैं और उस चिंता से ग्रसित हैं आप। हालेलुया। आदम जब तक ईश्वर से बात करता रहा, ईश्वर से बात करता रहा, तब तक उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। जैसे ही वो बात करना बंद किया, जैसे ही वो पाप किया, जैसे ही किसी और से बात करने लगा, ध्यान दीजिएगा, पहले वो सिर्फ किससे बात करता था? ईश्वर से। बाद में वो किससे बात करने लगा? भूषण भाई, बाद में वो किससे बात करने लगा? अंजना, हेवस। जैसे ही वो ईश्वर को छोड़ के किसी और से बात करने लगा, वैसे ही वो ईश्वर से छुपने लगा, बहाना देने लगा, भैया 2 बज गया, भैया 3 बज गया, भैया नींद नहीं खुली है ना, भैया जगे नहीं, भैया लेट हो गया, क्या हो गया? वो हेवा से बात करने लगा। आज हम ईश्वर को छोड़ के बाकी सब काम करने को तैयार हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से चिंता नहीं जाता है ना। शिकायत करो वहीं रहो, महिमा करो आगे बढ़ो। एक नया कोटेशन फिर डल रहा है, शिकायत करो वहीं रहो, मतलब आप बहाना भी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। आप एक्सक्यूज भी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। अगर कोई आदमी प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, तो उसको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। वो जेल में रहे, वो भूखा रहे, वो प्यासा रहे, प्रभु हर चीज का प्रबंध करता है। हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़िए, अपनी सारी चिंता उसको डालिए, उसको झीलम की तरह पढ़िए, पहन लीजिए, सत्य को जानिए और आशीष और चैन के साथ जीवन जिए, क्योंकि वो जब आता है आपके जीवन में तो सबसे पहले वो चैन की नींद देता है आपको। जब ईश्वर की कृपा होती है हमारे जीवन में, लोग हमसे पूछता है कि इनको तो किसी बात का टेंशन ही नहीं है, बेटी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। मैं इसीलिए हंसता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप का ध्यान कौन रखता है? ईश्वर। मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखता है? ईश्वर। मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखता है? ईश्वर। मेरा और उसका कमिटमेंट है जो मैं बार बार बोलता हूँ। उसने कहा कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखो, मेरे सत्य को जानो, मेरे धार्मिकता के झीलम को पढ़ो, पहनो और अपनी सारी चिंता क्या करो? मुझ पे डाल दो। यही काम जो जो करता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। कृपया आप भी करें। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं।
आइए खड़े हो जाएं। कि हे दयालु पिता, हम सिर्फ तुझे जानना चाहते हैं, तुझे जानना सर्वस्व जानना है प्रभु, सब कुछ मिल जाना है प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज हम सब तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे जानना चाहते हैं, तुझे मानना चाहते हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि जब हम तुझसे जुड़ जाएंगे, हम जब तुझे मान लेंगे, जब हम तुझ पे यकीन करेंगे, तो हमारे जीवन की हर परिस्थितियों पे कंट्रोल तेरा है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत, क्या पति, क्या पत्नी, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या नशा, क्या व्यभिचार, हमारे जीवन में जो भी है सब का ख्याल तू रखता है प्रभु। प्रभु ऐसी कृपा दे प्रभु कि आज हम तुझ में जुड़ जाएं, हम तुझसे लिपट जाएं प्रभु, हम एक हो जाएं प्रभु। जो हमारा है वो आपका है, आप ही के द्वारा दिया गया है प्रभु, आपने हमें रचा है, सृजा है। आपने कहा है कि हम सब आपकी आंख की पुतली हैं, हमारे सर के बाल तक आपने गिन रखे हैं पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस महा उपवास काल में हम सब के बंद आंखों को खोल दे और हम प्रभु एक सच्चा विश्वास कर सके, हम सत्य को जान सके और पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो पाए। प्रभु आइए पिता, हम सब के जीवन में आइए। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे मुझे देता है तू सांस, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। हे पिता, जितने बीमार लोग हैं, विशेषकर जिनको भी यूरिन का प्रॉब्लम है, पैर हाथ में घिंचाव हो रहा है, या किसी अन्य समस्या से जो भी जूझ रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि प्रभु इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, निगार, फुलजेनिश, मोनिका, ग्रेश, दिव्या, सुशीला, पूजा, वंतराज, अगाथा, शलोनी, महिमा, अमाता, एंजल, ईशिका, शांति, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, ज्वाय, नामजन, जॉन, लुइस, अनिमेश, पीरूष, शालू, अनमोल, आलोक, विवेक, विनीता, आशीष, जो लोग बेरोजगार हैं पिता, गोड, लीवा, कामरू, कंचन, ग्लोरियस, प्रीति, डेविड, विमल, अमित, अनुपम, सुशन, शशिता, जो लोग बिजनेस और अन्य समस्याओं से ग्रसित हैं, अजीत, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, प्रिया, अमित, अलमा, जूही, श
सागर, नैन्सी, स्वीटी, अन्वेषा, आर्यन, एलिन, अनीश, अभिजीत, मधुरी, एंजिल, आदित्य, ज्वाय, नीरल, अर्चना, हेमा, डेमियन, समीर, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, निर्मन, ज्ञान, प्रदीप, सुनीता, प्रेरित, शालिनी, शर्मिला, रश्मि, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, उषा, अंजलि, विभू, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, नमिता, प्यारा, जो लोग संतान का आशीष चाहते हैं, निशा, किशोरी, सलीमा, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नीलिमा, देवजीत, परमिता, अनीशा, उर्मिला, जो लोग दुष्ट आत्मा से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जूलियट, जो लोग कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, निर्मला, केस से मुक्ति के लिए शालिनी, जिनका जन्म दिवस है एनएम, और ऐसे जितने लोग हैं जिनका जन्म दिवस है मैरिज एनिवर्सरी, प्रभु इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता हम सबके जीवन में आइए, मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा, मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है, मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। हे पिता, इस वक्त जितने बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हम सबके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना योद्धा से जुड़ चुके जोड़ने वाले तमाम लोगों की तमाम समस्याओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इस महा उपवास काल में जितने लोग उपवास के साथ तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन सबके साथ जुड़ना। हम सबको आज प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, संगति करने का आशीष देना। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु से जोड़िए, प्रभु को जानने का कोशिश कीजिए। प्रभु को जानना सर्वस्व है और उसको जानने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। उसने स्वयं एक माध्यम दिया है जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। बैठिए, बाइबल को पढ़िए, विशेषकर नए नियम को पढ़िए। धन्यवाद। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार, अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।